अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान जावेद इस वक्त बैम टेलीविज़न के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूं और आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ज़बरदस्त बैकड्रॉप। इट्स अबाउट द ITCN एग्जीबिशन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन जो हर साल कराची एक्सपो सेंटर में होती है और अब की बार हम लोग उसको कवर कर रहे हैं ITCN एग्जीबिशन को। और इस एग्जीबिशन की ख़ास बात यह है कि इस एग्जीबिशन के अंदर आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और ये जितने भी नई टर्म्स आई हैं IT की फील्ड के अंदर, ये तमाम टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स हैं ये सब आपको मिलेंगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान को इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IT हब डिक्लेयर कर दिया है इस एग्ज़िबिशन को। तो चलें हम चलते हैं और आप लोगों को साथ साथ कुछ ब्रीफिंग भी देते रहेंगे इस एग्ज़िबिशन के हवाले से। ये आप देख रहे हैं टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, और इस एग्ज़िबिशन को एक टेक डेस्टिनेशन का दर्जा दिया गया है। इट्स अबाउट द फैसिलिटेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस, IT सेक्टर एडवांसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज सपोर्ट फॉर IT सेक्टर। और ज़्यादा जानना है तो ये इसकी वेबसाइट है। और अब हम अंदर की जानी बढ़ रहे हैं। सो फाइनली आई गॉट माई पास, विजिटर्स पास, और मैंने इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दी थी तो मुझे ऑनलाइन विजिटर पास भी मिल गया था, उसको मैंने यहाँ पर आकर शो किया है। ये पीछे आप देख रहे हैं इसकी रजिस्ट्रेशन डेस्क है यहाँ पर ITCN एशिया की। और नाउ आई एम एलिजिबल टू एंटर इन द एग्जीबिशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ द एंट्रेंस ऑफ द ITCN एग्जीबिशन, और आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर डिस्प्ले लगाया हुआ है। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ छोटे छोटे से कैप्सूल्स बनाए गए हैं फॉर द मीटिंग। ये आप देख रहे हैं कि ये कैप्सूल है फॉर द मीटिंग, और मैं इसके हवाले से थोड़ा सा मालूम करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कैप्सूल जो है बेसिकली ये क्या है और इसका क्या पर्पज़ है। जी बेसिकली ये ऑफिस मीटिंग पॉड्स हैं, तो जैसे आप कोवर्किंग स्पेस में ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं अपनी टीम के साथ, लेकिन आप कोई मीटिंग अटेंड करनी हो तो आप इसमें जाके मीटिंग कैप्सूल में जाके अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो फ्रीलांसर्स के लिए भी हमने जो काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह उन वो चाह रहे होते हैं कि घर में मेरे पास एक सेपरेट स्पेस हो फॉर वर्किंग स्पेस। इस कैप्सूल के अंदर जो है क्या एयर कंडीशन भी है, हवा वगैरह का सब जो है। बेसिकली हमने इसको एनवायरनमेंट एफिशिएंट बनाया है, तो ये कंज्यूम नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर जो एयर वेंट्स दिए हुए हैं वहीं से जो आपकी एनवायरनमेंट एयर कंडीशनिंग होती है रूम में, जो आपकी ऑफिस में एयर कंडीशनिंग होगी उसी को यूटिलाइज करेगा। इट हैज़ गॉट वन एग्जॉस्ट फैन, 2 LED स्ट्रिप्स लाइट्स, तो आपको परफेक्ट आपकी एनर्जी कंजम्पशन के साथ ये होता है। और साउंड प्रूफिंग इसके अंदर हमने एकोस्टिक साउंड ग्लास लगाया है, 8 mm का साउंड प्रूफिंग शीट्स लगाई हैं। तो अभी अगर आप चाहें तो मैं अंदर जाके डेमो करता हूँ, मुझे अंदर का शोर नहीं आएगा, बाहर से अंदर का शोर नहीं जाएगा। थैंक यू, वेलकम। सो जनाब, ये जो कैप्सूल इस वक्त मेरे बैग पे आप देख रहे हैं, इट्स फॉर द मीटिंग पर्पस। और जैसे कि उसको बताया है कि ये एक साउंड प्रूफ भी है और इसको आप कभी भी कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, और बिल्कुल एक जो आप कहते हैं ना इंडिविजुअलिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ आप यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। तो इट साउंड्स रियली नाइस। फुली डिजिटल एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। आप देख रहे हैं कि जी ब्लू लाइट्स का एक पूरा सिनेरियो क्रिएट है, और ब्लू कलर इज़ द कंप्यूटर्स कलर। तो इट साउंड्स रियली नाइस, वेरी नाइस।
इस वक्त मैं हॉल वन में मौजूद हूँ। यहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं उनके स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। उनमें जो बिग ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स मैं समझता हूँ क्योंकि हर ब्रांड को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो ब्रांड्स जो वाकई में नोटिसेबल हैं और जिनके बारे में हम जानते हैं या हमारा कहीं ना कहीं उन ब्रांड से ताल्लुक़ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी का इंस्टॉल है और इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एसटीजीए का ये स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है और अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो ये इज़ अबाउट द लाइसेंस टू ऑपरेट इनसाइड द स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द नॉलेज इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आई एम कामरान बिलग्रामी, आई एम डायरेक्टर सेंटर फॉर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन आईबीए कराची। यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ITCN में मैं ये STZA के स्टॉल पे खड़ा हूँ और वी लुक फॉरवर्ड टू वेज वेयर वी कैन वर्क टुगेदर। इस पूरे इकोसिस्टम को कंबाइन होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे और इस पूरे इकोसिस्टम पे हम पर्टिकुलरली हमारे यूथ को यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है क्यूरेटर्स, जो कि डिजिटल वेब और मोबाइल सर्विसेज देती है। ये आप देख रहे हैं, ये इनका स्टॉल है, इनकी डिफरेंट सर्विसेज हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूरी ब्रीफिंग मौजूद है। एंड इट्स अ स्टॉल ऑफ एक्वा ऑरेंज का ये स्टॉल है और ये भी डिफरेंट डिजिटल सर्विसेज देते हैं। इनके यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रोशर्स भी रखे हुए हैं और अगर हम इनके बारे में जाने तो ये देखें जी, इन्होंने मेंशन किया हुआ है द कंप्लीट प्रीएम्प्टिव एंड पॉइंट सिक्योरिटी विद पेटेंटेड जीरो वेल्ड कंटेनमेंट। तो कुछ वेब की सिक्योरिटी के हवाले से ये स्टॉल है जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। और ये आप देख रहे हैं पाशा का स्टॉल, पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन। पाशा का बहुत बड़ा किरदार है इस वक्त इस ITCN एक्सपो के अंदर और इसको लीड करती हैं जहाना मैडम, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तो इस पाशा की यहाँ पर एक स्टॉल एक्टिविटी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जिसमें लोग इस एसोसिएशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन के अंदर आईटी से रिलेटेड जितनी भी छोटी बड़ी कंपनीज हैं सबको चांस दिया गया है। आप देख रहे हैं कि जी एक छोटे छोटे स्टॉल्स हैं लेकिन ये सब आईटी सॉल्यूशंस लेके बैठे हुए हैं और इनके पास वो सारी टेक्नोलॉजीज़ की सर्विसेज मौजूद हैं जो कि इस वक्त किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को या किसी भी बिजनेस एंटिटी को रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं, काफ़ी क्राउड है आज यहाँ पर ITCN में बिकॉज इट्स एन आईटी एग्जीबिशन और इस आईटी एग्जीबिशन के अंदर पाकिस्तान डिजिटली किस तरह से आगे लेके चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी इंट्रैक्शन भी हो रहा है, B2B मीटिंग्स भी हो रही हैं, आप इसमें डिस्कशंस हैं ऑन द स्पॉट जिसमें ब्रीफिंग दी जा रही है, विजिटर्स भी यहाँ पर हैं और मुख्तलिफ अथॉरिटी से विजिटर्स आए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस वक्त आईटी सेक्टर के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, मतलब अब वो देखा जाए तो अगर हम ये कहें कि जी आप सांस ही नहीं ले सकते कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर विदाउट द आईटी सेक्टर। तो आईटी के अंदर डिजिटलाइजेशन, हर चीज़ की उस पर डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूथ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और वो यहाँ पर ब्रीफिंग ले रही है, चीज़ों के बारे में मालूम कर रही है कि क्या ऑफर्स हैं यहाँ पर। सो इट्स ऑल अबाउट द हॉल वन एक्टिविटी जहाँ पर जो है मैं आपको लेकर आया कुछ स्पेशल जोन के जो अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट ने जो बनाई हैं उनसे ताल्लुक़ रखने के हवाले से कुछ चीज़ें आपको ब्रीफ की और पाशा का स्टॉल भी मैंने आपको दिखाया है और इसके अलावा डिफरेंट आईटी सॉल्यूशंस जो यहाँ पर दे रहे हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम आगे के दूसरे के हॉल पर चलते हैं।
लोग इस वक्त हॉल टू के अंदर एंटर हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स मौजूद हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें मंशा ब्रदर्स का स्टॉल मौजूद है, जो इस वक्त आईटी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फिर ये आप देखें जी, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन सेलमोर ब्रांड को लेकर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर डिफरेंट मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा, नाम बड़े मुश्किल होते हैं आईटी कंपनीज के, यूबिक्विटी। फिर आप उधर देख रहे हैं माइक्रोटेक का स्टॉल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त लोगों की मौजूद है, जिस वक्त आईटी एक्सचेंज कर रही है, मतलब कि जी आईटी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन उनको एक्सचेंज किया जा रहा है। हर स्टॉल पर यहाँ पर मीटिंग्स चल रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्टॉल है किस्त पे का, किस्त पे ई ओशन, ई डॉट ओशन। इस वक्त मेरे पीछे आप देखेंगे किस्त पे का जो स्टॉल है वो इस वक्त मौजूद है। क्या किस्त पे वही ऑनलाइन ऐप है जो के लोगों को लोन देती है और जो इस वक्त काफ़ी इस वक्त कड़े टफ टाइम से गुजर रही है, जिसमें हरेसमेंट वगैरह शामिल थी, या इट्स एन डिफरेंट थिंग? हम किस्त पे के जो पर्सनल्स हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस वक्त ऑनलाइन ऐप्स आ रही हैं लोन प्रोवाइड करने की, क्या इस तरह की कोई ऐप है आपकी? बिल्कुल, हम लोग जो है वो स्मार्टफोन जो है वो ऑफर करते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे। फाइनेंसिंग हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी है, थ्रू वेबसाइट भी जो है वो हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, किस्तपे.com हमारी वेबसाइट है। तो ये काफ़ी कड़ा इसका सामना हो रहा है, हरेसमेंट्स वगैरह के काफ़ी केसेस चल रहे हैं, तो आप उनसे अपने आप को कैसे डिफरेंट करते हैं? सर, हमारी बिल्कुल भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है बहुत सिंपल, हमारी बहुत साउंड हमारी जो है वो पॉलिसीज़ हैं और बहुत ही रिलैक्स पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। 3 मंथ्स 6 मंथ्स के हम लोग इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करते हैं। सिर्फ हमारी ऑप्शन ये होती है कि हमारे पास जो फ़ोन्स हैं वो गूगल GSM में जो है वो एक्टिवेटेड होते हैं, उसमें DLC एप्लीकेशन हमारी होती है, कि अगर कोई कस्टमर हमारे डिफ़ॉल्ट भी करते हैं तो हम उनके फ़ोन लॉक करवा देते हैं। इवन जो कंसिडरेशन है कस्टमर्स की वो भी कैटर की जाती हैं। लाइक कोई कस्टमर हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको जो इंस्टॉलमेंट पे करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो हम डेफिनेटली उन्हें कैटर करा के उन्हें ग्रेस पीरियड या उनके जो डेट प्लान हैं वो चेंज कर रहे होते हैं। वेल, किस पे से बात करके पता चला कि ये ऑनलाइन ऐप तो है लेकिन पर्सनल लोन नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन्स जो है उनको इंस्टॉलमेंट पे देती है और बहुत ही इजी टर्म्स पे देती है। उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भी दिया है जिसको मैं घर जाके अनबॉक्स करूँगा, और मेरे ख्याल से ये वॉल क्लॉक है, इट्स रियली नाइस, वेरी नाइस। और ये इसकी जो किस पे की ख़ास बात जो मैंने देखी है वो ये देखी है कि किस पे जो है वो हर इंसान को मोबाइल फ़ोन जो है इंस्टॉलमेंट पर प्रोवाइड कर रहा है जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो ऑनलाइन कंपनीज हैं वो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को जो है सर्विसेज देती हैं, लेकिन ये इनकी अपनी टर्म्स हैं जिसकी वजह से जो है एक आम आदमी जो है अपना अगर उसे अपना बिजनेस इन्हेंस करना है या मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है कोई ई कॉमर्स अपना काम शुरू करना है तो वो इसके थ्रू कर सकता है। तो किस्त पे इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। ये इस वक्त आप कॉर्निंग का स्टॉल देख रहे हैं जो कि हार्डवेयर सॉल्यूशंस दे रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ अगर हम और आगे बढ़ें तो दूसरी जानिब हमें यूनिफोनिक का स्टॉल नज़र आएगा जो कि कस्टमर्स के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं, वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरी कन्वर्जेशन, ये इसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। यहाँ पर लाइव प्रेजेंटेशन हैं जो इस वक्त दी जा रही हैं, ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त डिफरेंट मीटिंग इनक्लोजर्स बनाए गए हैं जहां पर लोग जो है अपनी बिजनेस इंट्रैक्शंस कर रहे हैं। इट्स अ वन एप्पल स्टॉल और ये ओपोटेक का स्टॉल आप देख रहे हैं जिनके इस वक्त प्रेजेंटेशन चल रही है। कम्युनिकेशन इस वक्त बढ़ रहा है और हर जगह इस वक्त कम्युनिकेशन के हवाले से बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि जी ये इस वक्त IVR सिस्टम्स और जो बोर्ड सिस्टम्स होते हैं ये उनका स्टॉल है और ये कंपनी है NEC।
वन ऑफ द बिग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, एनएसई कंपनी का स्टॉल है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इनके बारे में ब्रीफिंग हो रही हैं। एनएसई कंपनी जो दुनिया की लीडिंग कंपनी है इन द फोन्स, और यहाँ पर इनका जो आईवीआर सिस्टम होता है उनका स्टॉल लगा हुआ है, और जो कि डिफरेंट कंपनीज में और हर सेक्टर में इस पर रिक्वायर्ड है जहाँ पर भी कॉर्पोरेट सेक्टर है। हम इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर क्या एक्सेप्शनल सर्विसेज दे रहे हैं एनएसई के तहत। अब एनएसई में हमारे पास छोटे से सिस्टम 3-8 से लेके हमारे पास 1,92,000 तक एक्सटेंशन मौजूद हैं। अभी हमने यहाँ पे 2 सिस्टम डिस्प्ले किए हैं, जो 96 एक्सटेंशन और दूसरा जो सिस्टम है वो 896 तक जाता है। सर इनोवेशन इसमें प्लस ये है कि इसमें आप वेब कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप एक अपना लुक लाइक जैसे जूम है या टीम है, आप अपना एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये कुछ सर्टिफिकेशन और कुछ लाइसेंसिंग के साथ इसमें मुमकिन है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है और प्रॉपर प्रेजेंटेशन है अपने ब्रांड के हवाले से। यहाँ पर एंड्रॉयड स्क्रीन की प्रोजेक्शन हो रही है, इसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है, और ये सामने पूरा एक डिस्प्ले है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का स्टॉल है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी खड़े हैं, वो डिफरेंट कोर्सेज के बारे में मालूम कर रहे हैं। ये सॉफ्टटेक वालों का स्टॉल है, ये रीजी का स्टॉल है, यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ों के हवाले से जो है ब्रीफिंग दी जा रही है। हॉल 2 कवर हो चुका है और अब हम आगे हॉल 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, और जहाँ पर हम देखते हैं कि जी और कौन सी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में कोलैबोरेट कर रही हैं और पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज को लेके जा रही हैं। इट लुक्स वेरी नाइस, ब्लू एनवायरनमेंट, प्योर डिजिटल एनवायरनमेंट, मुझे लग रहा है कि मैं किसी सिम के अंदर घूम रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं एमबी कम्युनिकेशन का स्टॉल, पेंटम ब्रांड्स के यहाँ पर जो है फोटोकॉपियर मशीन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, उनका डिस्प्ले किया गया है। और हम इधर आ जाएं तो यहाँ पर हमें कुछ चाइनीज़ कंपनीज नज़र आ रही हैं जो कि आईटी सेक्टर में जो है कुछ नई ऑफर्स लेकर आई हैं। सनकॉम इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ यहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं और पाकिस्तानी कस्टमर्स को ब्रीफ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से। या आप देख रहे हैं कि जी यहाँ पर LED T8 एलुमिनियम ट्यूब और डिफरेंट केबलिंग सिस्टम को बारे में बताया जा रहा है। ये कंपनी आप जो देख रहे हैं इस वक्त MB कम्युनिकेशन का दूसरा पोर्शन है, यहाँ पर ज़ेब्रा ब्रांड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो स्कैनिंग मशीन्स हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होती हैं प्राइसिंग के हवाले से, प्राइस कोड को रीड करने के लिए, उन सारी प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है डिस्प्ले लगाया गया है। यहाँ पर डिफरेंट कस्टमर्स हैं जो इनके हवाले से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर नज़र आ रही है हमें बहुत ज़्यादा लाइट्स। ये चाइनीज़ कंपनी जो कि LED लाइट्स को इंट्रोड्यूस कर रही है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टॉल है TPL का, TPL मैप्स इनका पूरा डिस्प्ले लगा हुआ है। ये आप फैक्ट कंपनी का स्टॉल देख रहे हैं जो कि 3D जो आप कहते हैं एडवर्टाइजिंग जो है, जिसको हम होलोग्राफिक एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, ये उनका डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ये पूरा फैक्ट वालों का स्टॉल है जो कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही नई जिद्दत लेकर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं लिनोवो का स्टॉल है, लिनोवो जिसके लैपटॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं और इनमें शामिल है सर्वर्स, स्पीडी हाई परफॉर्मेंस एफर्टलेस सिक्योर सर्वर्स। ये लिनोवो के पूरे ब्रांड में जो है अगर हम इनके स्टॉल पे देखें तो इन सर्वर्स का डिस्प्ले है,
ये आप देख रहे हैं लिनोडो सिस्टम्स का स्टॉल है, यहाँ पर सब प्रोडक्ट्स रखा गया है, लोग उसको देख रहे हैं, जो विजिटर्स हैं उनकी जो क्वेरीज हैं उनको यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। हम ये अगले हॉल में आ गए हैं और यहाँ पर हमें स्पार्क्स मोबाइल का स्टॉल नज़र आया है। स्पार्क्स अपनी कुरानदाजी भी कर रहा है यहाँ पर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के डिस्प्ले भी हैं। ये आप देख रहे हैं कि जी इनका जो है पूरा एक बैलेटिंग सिस्टम है जिसमें लोग जो परचेजिंग कर रहे हैं इनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, और स्पार्क की सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ मेड इन पाकिस्तान। यहाँ पर इन्होंने एंड्रॉयड स्क्रीन्स लगाई हुई हैं जहाँ पर लोग जो है अपने पर्सनल मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इंक्यूबेशन का स्टॉल है ये, जहाँ पर स्टार्टअप्स को जो है इनक्रेज किया जाता है, उनको फंड किया जाता है। इट्स अ गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट PITB के 22 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इस वक्त 20 सिटीज़ अक्रॉस द पाकिस्तान। भी PITB इंक्यूबेशन का स्टॉल आप देख रहे हैं, इनका पूरा एक वेटिंग एरिया है, मीटिंग एरिया है। इग्नाइट का स्टॉल है जो आप देख रहे हैं, जिनका पूरा डिस्प्ले यहाँ लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं PTA का स्टॉल है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पूरी इस वक्त पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को जो है रेगुलेट करती है एज़ पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉल 4 में और यहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल कंपनीज के स्टॉल हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जी मेरे पीछे जो है इस वक्त ITEL का स्टॉल है, और ITEL इस वक्त पाकिस्तान की जो है एक लीडिंग मोबाइल कंपनी है। और ITEL के साथ साथ इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इन्फिनिक्स वालों का भी स्टॉल है। ये इन्फिनिक्स का स्टॉल आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे इन्फिनिक्स की पूरी ब्रांडिंग है। तो यहाँ पर मोबाइल कंपनीज जो हैं अपनी ऑफर्स लेकर आ रही हैं, और नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान में मोबाइल कंपनीज का एक बहुत बड़ा किरदार है IT सेक्टर के अंदर। ये आप देखिए जी इन्फिनिक्स का स्टॉल है, ये इस वक्त इन्फिनिक्स के डिफरेंट डिस्प्लेज यहाँ पे लगाए गए हैं और इन डिस्प्ले के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ब्रांड के बारे में बताया जा रहा है। और इन्फिनिक्स से हम निकले तो हम ITEL की तरफ चढ़ते हैं। यहाँ पर ये ITEL का आप देख रहे हैं स्टॉल, ये ITEL के सॉल्यूशंस हैं, मुख्तलिफ मोबाइल सॉल्यूशंस, ये उनके डिस्प्ले भी हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। और ITEL जो है मोबाइल फ़ोन के साथ अब टेलीविज़न ऑडियो एक्सेसरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त ITEL के डिफरेंट डिस्प्लेज, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर हो रही हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त 360 बूथ यहाँ पे लगाया गया है। इस पार्क के स्टॉल पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि ये इंटरेक्टिव सेशन है, इसकी कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको दिखाता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ये इंटरेक्टिव सेशन है जिस पे ब्रीफ किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की मौजूद है जो कि इस इंटरेक्टिव सेशन से जो है इस्तेफादा हासिल करना चाह रही है। Amazon पे पहले अगेन टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, जब मैंने स्टार्टेड माय कंपनी, आई एम नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आई डिड नो व्हाट इज गेट, मैंने AWS का कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया, बस आई हर्ड समथिंग कॉल्ड इलास्टिक कंप्यूटिंग,
what is this? So I had to go and learn, get myself, okay, main ek chhota sa VM banao, aur ispe, then I went further and further. It's very simple. AWS pe, ke jo data centers hai, they are based in Bahrain, and they have some in I believe, India, and also some in Singapore as well. So kafi straightforward hai on AWS. Unke paas Amazon machine instances hai, AMIs. Unreal, Epic Games, AWS ke saath already in partnership mein hai. Question is, you were talking in STEM education, in STEAM education. We have partnership with the Lincoln Corner. They have a startup lab. So, what do you recommend to us for our students? Thank you for your question. Firstly, love that so many Karachi University people are here. Karachi University was my first teaching job in 2016. I was in the visual studies department, और जनाब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शॉन अंसारी और जो यहाँ पर एक इंटरेक्टिव सेशन कर रहे थे अबाउट द इमर्सिव रियलिटीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। शॉन हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत मजा आया सेशन। कैसा आपको रहा एक्सपीरियंस ITCN में यहाँ पर? वेल दिस हम लोग आते ही वी केम टू दिस सेशन, बट वॉकिंग एंड सीइंग द बूथ्स वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ बूथ्स, लॉट ऑफ अमेजिंग न्यू थिंग्स जो कि पता चल रहा है दैट्स हैपनिंग इन दिस सिटी। ओके, यहाँ पर जो इंटरेक्टिव सेशन अभी आपने किया एंटरप्रेन्योरशिप पे था? एंटरप्रेन्योरशिप एंड अनरियल इंजन जो कि एक 3D टूल है। ओके ग्रेट, तो क्या पाकिस्तान में इसकी सोर्सेज मौजूद हैं कि अगर यहाँ के स्टार्टअप्स जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अवेल करना चाहें? हाँ, तो एट द मोमेंट हम लोग एक वाहिद कंपनी है दैट इज़ डूइंग ट्रेनिंग इन अनरियल इंजन। अभी तक फॉर पाकिस्तान आई एम दी ओनली इंस्ट्रक्टर। ओके, एंड आई वुड से कि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, दिस वर्क टू बी डन हियर, बट हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को अनरियल इंजन की जो ट्रेनिंग है वो एक्सेसिबल बनाएं, अफोर्डेबल बनाएं, एंड मतलब अवेलेबल भी ना है। वुड से कि अगर किसी को जैसे सीखना हो अनरियल इंजन, दे कैन लर्न वेरी क्विकली कमिंग टू आवर कंपनी फॉर दिस। ग्रेट शॉन, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू। वेल आई एम कम्स आउट फ्रॉम द ITCN एक्सपो, ITCN एशिया जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT एग्जीबिशन है, और हमने आज आपको जो है डिफरेंट हमारी जो यहाँ पर कंपनीज आई थी उनके बारे में आपको बताया, और जितना भी अच्छा ज़्यादा एक्सपोजर मैं दे सकता था अपने टेलीविज़न चैनल BAM की तरफ से, जिसमें हम बात करते हैं ब्रांड की, एडवर्टाइजिंग की और मीडिया की। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच BAM TV.PK और इट्स टाइम टू टेक लीव फ्रॉम यू। सो आई एम लीविंग नाउ, अल्लाह हाफिज।